रे बंदिया राह पे चल बंदिया रे बंदिया बंदे। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है कविता जोशी और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। जैसा कि आप लोग हल्द्वानी शहर के बारे में जानते होंगे, यहाँ के वेदर व्यूज़ वगैरह के बारे में, कि यहाँ का वेदर और व्यूज़ कितना अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करती हूँ छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम कविता जोशी है और मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी सेक्टर में इंजीनियर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, जॉब के साथ साथ घर भी देखती हूँ। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि हम लोग जॉब करते हैं, मेरी जैसी लेडीज़ जो रहती हैं वो जॉब भी करती हैं और जॉब के साथ साथ घर भी देखती हैं। थोड़ा टफ तो पड़ता है फ्रेंड, बट ये है कि थोड़ा धीरे धीरे करके मैनेज हो जाता है। अब ये है कि थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है और चीज़ों के लिए। जैसे मैंने सोचा, मैं आज संडे है और थोड़ा टाइम है मेरे पास और मैं आज अपना चैनल स्टार्ट करूँ। आइए, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों। इससे पहले भी मैंने चैनल में कई बार ब्लॉग डाले बट इतने व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। थोड़े बहुत यूट्यूब्स के वीडियोस रहते हैं, थोड़े बहुत वीडियोस शेयर करे, बट मैंने बेसिकली कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपना फर्स्ट व्लॉग बनाने से पहले। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम है, थोड़ा आप लोगों के साथ यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार, अगर थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा प्यार मिले तो मे भी हो सकता है कि ये चैनल थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा ऊपर जाए। मैं ये नहीं चाह रही कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं, बट ये है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट और थोड़ा बहुत आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो ये चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके। दोस्तों, अभी मैं हल्द्वानी के बारे में बात करती हूँ। बेसिकली हम लोग में से कई लोग उत्तराखंड से होंगे इस चैनल में जुड़े हुए। हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी का जो वेदर्स है, वेदर जो जानते ही होंगे आप, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खेत कितने अच्छे हैं। और ये जो है हमारे घर का बैक साइड वाला व्यू है, बैक साइड वाला व्यू है और उसमें खेत देखिए कितने प्यारे खेत लग रहे हैं। और वेदर देखिए, आज संडे है, आज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सुबह के टाइम बारिश हो रही थी बट मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, मैं व्लॉग को ज़्यादा खींचना नहीं चाहती, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बट ये है कि अभी मैं थोड़ा सा आपको छत में जाके, हालांकि छत थोड़ी सी गंदी हो रही है बारिश की वजह से, बट मैं छत में जाके थोड़ा सा आपको व्यूज़ और थोड़ा सा पहाड़ों का जो बैक साइड का व्यूज़ है वो दिखाऊंगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रही हूँ छत में। अरे, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे पारस बाबू। हेलो गो, हेलो गाइस को हाथ हिलाओ। हेलो गाइस को ये हैं हमारे मास्टर पारस बाबू और ये अभी अपनी ड्राइंग फिनिश करके आए हैं और ये भी अभी मेरे साथ छत में चलेंगे। चलो बेटा, छत में चलते हैं हम अपने फ्रेंड्स को दिखाने थोड़ा सा यहाँ का व्यूज। चलो जल्दी आओ। चलो फटाफट चलते हैं। चलो फटाफट चलते हैं। आओ, धीरे आना। कोई बात नहीं। देखिए गाइस, हम फाइनली छत में पहुंच चुके हैं और यहाँ थोड़े कपड़े सूख रहे हैं। आज मैंने थोड़ा संडे था तो मैंने सारे कपड़े धो दिए। और देखिए गाइस, यहाँ का व्यूज देखिए, थोड़ी धूप आ गई है बट ये है कि व्यूज बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए कैसे पहाड़ों का, आज थोड़े पहाड़ छुपे हुए हैं क्योंकि थोड़ी धूप हो रही है, धूप की वजह से थोड़े से पहाड़ छुपे हुए हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, थोड़ी धूप की वजह से, हाँ देखिए छत कितनी गंदी हो रही है बारिश की वजह से। थोड़ा सा व्यूज़ देखिए, यहाँ का व्यूज़ देखिए। ये अपने बैक साइड के खेत हैं, देखिए। थोड़ी घास ज़्यादा हो रही है बट ये है कि अभी धूप की वजह से थोड़ा व्यूज़ अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए गाइस, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ। आगे आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये छोटा सा ब्लॉग, इंट्रोडक्शन का ब्लॉग आपको पसंद आए। और इस प्लीज़ आपको, आपसे दिल से निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको थोड़े आगे जाके अच्छे ब्लॉग्स डाल सकूँ। चलिए गाइस, बाय।